दिस इज रोहित दांगड़े योर होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मैं आज आपके सारे डाउट खत्म करवा दूंगा। तो चलिए हम वन बाय वन सभी प्रीपोजिशन के इस वीडियो में लेंगे और उन्हें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटे के निशान को जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो जो हमारी सबसे पहली प्रीपोजिशन है वो है इन। इन इन्होंने में या के अंदर, इन या इन, इनका मतलब होता है में या के अंदर। जैसे किसी कमरे के अंदर, किसी जैसे हमारे बॉडी में, मतलब यूँ कहा जाए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, इंसान में या उनके अंदर, इस तरीके से। एक एग्जांपल है मोबाइल बैग में है, मोबाइल बैग में, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोबाइल इज इन द बैग, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। चलिए तो हमारे पहली प्रीपोजिशन थी इन और जो अगली प्रीपोजिशन आती है वो है ऑन। इन और अगली प्रीपोजिशन आती है ऑन, ऑन इन के अंदर, चीज के अंदर। जैसे ऑन मतलब किसी भी चीज के ऊपर या ऊपर कहे या अंदर कहे, ऊपर जैसे ये डस्टर के ऊपर पेन है, डस्टर के ऊपर पेन है तो देयर इज पेन ऑन द डस्टर, ऑन द डस्टर मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, इसका मतलब होता है ऑन। तो इसे भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे छत पर बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रंस ऑन द रूफ, देयर आर चिल्ड्रन ऑन द रूफ, ये हमारा ऑन का एग्जांपल हुआ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑफ, वो है ऑफ। तो हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ ऑफ इसका मतलब होता है का, के, की, का, की, के। जैसे मोहन का, श्याम का, सीता की, गीता का, इस तरीके से। जैसे मोहन का भाई, ब्रदर ऑफ मोहन, मेरा मोबाइल, जैसा दिस, यह सीता का मोबाइल है, दिस इज मोबाइल ऑफ सीता, का, की, के, यह इस तरीके सेंस देता है ऑफ। जैसे यह रोहित की क्लास है, यह रोहित की क्लास है, तो दिस इज क्लास ऑफ रोहित, दिस इज क्लास ऑफ रोहित। तो ये हमारे ऑफ के एग्जांपल हुए। इसके बाद जो हमारी अगली प्रीपोजिशन आती है वो है टू, वो है टू, टू प्रीपोजिशन। टू का अर्थ होता है को, टू का अर्थ होता है को। जैसे राम को, सीता को, मैंने मोहन को मोबाइल दिया, आई गिव मोबाइल टू राम। मैंने सोहन को मेरा बैग दिया, आई गिव माय मोबाइल टू सोहन। इसी तरह से हम टू के भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मोहन को मारता हूँ, मैं मोहन को मारता हूँ, तो सर आ जाएगा सिंपली आई हिट टू मोहन। ये हमारी जो ये फोर्थ नंबर की प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम आते हैं जो हमारी फिफ्थ नंबर की प्रीपोजिशन है वो है जो है FOR, फॉरेन के लिए, फॉरेन मीन्स के लिए। जैसे
मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया. आई केम हेयर फॉर यू. आई केम हेयर फॉर यू. मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा. आई बॉट इट फॉर यू. मैं पैसे कमाने के लिए पढ़ाता हूँ. आई टीच फॉर अर्निंग मनी. आई टीच फॉर अर्निंग मनी. तो यहाँ पर फॉर का मतलब होता है के लिए. ये प्री पोजिशन में लगता है. फॉर एन के लिए. फॉर एन के लिए. इसका एग्जाम्पल देखिए. यह मेरा रूम है पढ़ाने के लिए. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दिस इज माय रूम टू टीच. यहाँ पर टू टू का मतलब ये एक अलग प्रीपोजिशन हो जाती है. आप इसकी जगह पर फॉर का भी यूज कर सकते हैं. दिस इज माय रूम फॉर टीचिंग. दिस इज माई रूम फॉर टीचिंग. यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया. चलिए इसके बाद जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम. वो है फ्रॉम. अगली प्रीपोजिशन है वो है हमारी फ्रॉम. फ्रॉम मतलब से. मतलब कहाँ से. जैसे मैं इंदौर से हूँ. आई एम फ्रॉम इंदौर. से मतलब से. तुम कहाँ से आए. तुम कहाँ से आए. मैं इंदौर से आया. आई केम फ्रॉम इंदौर. आई केम फ्रॉम इंदौर. तुमने इसे कहाँ से खरीदा. फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस. फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस. इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज करते हैं. चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं. फ्रॉम का मतलब होता है से. ये प्रीपोजिशन रूप में काम आता है. तो चलिए तुम कहाँ से हो. तुम कहाँ से हो. फ्रॉम वेयर आर यू. ये हो गया. फ्रॉम वेयर आर यू. पोजिशन हमारी है विथ. इसका जो हिंदी में होता है वो है के साथ. वो है के साथ. तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं. पहले समझ लेते हैं. जैसे मैं यहाँ मेरे डस्टर और पेन के साथ हूँ. मैं यहाँ मेरे डस्टर और पेन के साथ हूँ. आई एम हियर. आई एम हियर विथ माई डस्टर एंड पेन. विथ माई मतलब मेरे पेन के साथ और डस्टर के साथ. तो इसका मतलब होता है के साथ. इसका भी एग्जांपल देखिए. जैसे मैं राम के साथ था. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आई वॉज विथ राम. आई वॉज विथ राम. हमारी अगली जो प्रीपोजिशन वो है अबाउट. वो है अबाउट. अगली प्रीपोजिशन अबाउट. इसका मतलब होता है के बारे में. अबाउट के बारे में. जैसे हमारे बारे में. तुम्हारे बारे में. किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु इन सभी के बारे में. जैसे इसका मतलब ये है बारे में. जैसे मैंने मोबाइल के बारे में चर्चा की. आई डिस्कस्ड अबाउट मोबाइल. आई डिस्कस्ड अबाउट मोबाइल. तुम मोबाइल के बारे में बता रहे हो. यू आर टेलिंग अबाउट मोबाइल. यू आर टेलिंग अबाउट मोबाइल. मैंने इसे प्रीपोजिशन के बारे में बनाया. आई मेड इट फॉर प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन. ये अबाउट. इसमें भी अबाउट हमने लिखा के बारे में. तो चलिए हमारा हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखते. जैसे मैंने अंग्रेजी के बारे में बोला. मैं अंग्रेजी के बारे में बोला. तो आई स्पोक अबाउट इंग्लिश. आई स्पोक अबाउट इंग्लिश. हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं. और हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट. एट मतलब पर बजे. एट एन ए पर बजे. एग्जाम्पल लेते हैं एट का. इसका एग्जाम्पल जैसे मैं छत पर हूँ. ये एक समय के लिए. एट का यूज समय के लिए भी किया जाता है और छोटी स्थान के लिए भी किया जाता है. जैसे मैं छत पर हूँ. सो आई एम एट द रूफ. आई एम एट द रूफ. आई एम एट द बस स्टेशन. आई एम एट द रेलवे स्टेशन.
तो इसका छोटी जगहों के लिए भी यूज़ किया जाता है और समय के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे जिसे एट 2 o'clock, एट 4 o'clock, एट 6 o'clock इस तरीके से। और जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो है आफ्टर, वो है आफ्टर, वो है आफ्टर, मतलब इसका मतलब होता है के बाद, आफ्टर के बाद, जैसे मेरे बाद, साहिल के बाद, मोहन के बाद, सर के बाद। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं तुम्हारे बाद आया, मैं तुम्हारे बाद आया, सो आई केम आफ्टर यू, आई केम आफ्टर यू, इसका आफ्टर का मतलब होता है के बाद। और हमारी जो अगली प्रीपोजिशन है वो है बेफोर, 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 अगली प्रीपोजिशन बेफोर, बेफोर इसका हिंदी मतलब होता है के पहले, ये आफ्टर के बाद और ये बेफोर के पहले। जैसे मैं तुम्हारे पहले, मैं तुम्हारे पहले आया, आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू, मैंने इसे तुम्हारे पहले किया, आई डिड इट बिफोर यू। इस तरीके से ये बिफोर का यूज़ के पहले और आफ्टर का यूज़ के बाद। और हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो है फार फ्रॉम, वो है फार फ्रॉम, फार फ्रॉम, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो है से दूर, फार फ्रॉम मैंने से दूर। और हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माय हाउस इज फार फ्रॉम 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर, माय हाउस इज फार फ्रॉम 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारा फार फ्रॉम का एग्जांपल हुआ से दूर। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका लास्ट में स्क्रीन पर चार्ट शो करूँगा, तो आप उसमें से सारी प्रीपोजिशन को राइट कर लीजिएगा, अभी आप बस खाली से समझने पर ध्यान दीजिए। तो और हमारी अगली प्रीपोजिशन है बिसाइड, हमारी अगली प्रीपोजिशन है बिसाइड, और इसका हिंदी मतलब होता है के बाजू में, के बाजू में, जनरली हम कह सकते हैं जैसे मेरे बाजू में राम है, मेरे बाजू में राम है, देर इज राम बिसाइड मी, देर इज राम बिसाइड मी, तो बाजू में, जैसे राम की बाजू में मोहन है, मोहन के बाजू में, इस तरह बाजू में इसका यूज़ हम करते हैं बाजू के सेंस में। और इसका हम इसके बाद अगली प्रीपोजिशन देखते हैं, वो अगली प्रीपोजिशन है हमारी बी साइड्स, बी साइड्स, बी बिसाइड्स, ये देखिए इन दोनों शब्द में खाली एस का अंतर है, ये बिसाइड और ये बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, जैसे मोहन के अलावा, सीता के अलावा, मोबाइल के अलावा, आप मोबाइल के अलावा कंप्यूटर चलाइए, आप टीवी के अलावा मोबाइल चलाइए, और आप कार के अलावा गाड़ी चलाइए, तो ये हम अलावा के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, इसके बाद हम अगली प्रीपोजिशन देखते हैं, और अगली प्रीपोजिशन है हमारी अंडर, अंडर मतलब के नीचे, अंडर मतलब के नीचे, जैसे अंडर मतलब के नीचे, जैसे दो व्यक्ति मेरे नीचे काम करते हैं, नीचे मतलब उस तरीके से नीचे नहीं, मतलब मेरे से वो निचली पोस्ट पे है, तो टू पर्संस वर्क अंडर मी, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं इसका एग्जांपल्स। और हमारी अगली प्रीपोजिशन है बिटवीन, वो है बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, बिटवीन मतलब के बीच में, ये है तो दो वस्तु व्यक्तियों के बीच में, दो दो के बीच में, दो के बीच में, और जो इससे ये है अमंग, ये दो से अधिक के बीच में, ये दो से अधिक के बीच में, जैसे मैं राम और श्याम के बीच में बैठा,
आई सेट बिटवीन राम एंड श्याम, मैं कहीं सारे व्यक्तियों के बीच में बैठूंगा। आई विल सिट अमंग थाउजेंड ऑफ पीपल्स, कई हजार व्यक्तियों के बीच में बैठूंगा। तो इस तरह से हमारे बिटवीन और अमंग में डिफरेंस था। इन दोनों का मतलब होता है के बीच में, इन दोनों का मतलब होता है की बीच में। सो ये बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में, और अमंग दो से अधिक के बीच में। तो चलिए हमारे ड्यू टू की वजह से, जैसे बारिश की वजह से मेरा बुखार आया, बारिश की वजह से मैं बीमार हूँ, या यूँ कह सकते हैं कि बारिश की वजह से मैं बुखार हूँ। ड्यू टू रेन आई एम इल। सो ये हमारा प्रीपोजिशन था और इसका एक एग्जांपल्स था। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ। बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, मैं तुम्हारे कारण पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ यू आई एम टीचिंग। सो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, इसका हिंदी मतलब होता है से संबंधित। जैसे मेरा रिश्ता मेरे भाई से रिलेटेड है, माय रिलेशनशिप इज रिलेटेड विथ माय ब्रदर। सो मतलब से संबंधित। तो ये हमारी प्रीपोजिशन थी से संबंधित और रिगार्डिंग, जैसे के संबंध में, इसका मतलब होता है के संबंध में। ये रिलेटेड टू से संबंधित और रिगार्डिंग के संबंध में। जैसे यह क्लास अंग्रेजी से संबंध में है, यह क्लास अंग्रेजी के संबंध में है। तो दिस क्लास रिगार्डिंग टू इंग्लिश। अब हमारे पास स्पेस नहीं बचा तो मैं इन पिछली लास्ट प्रीपोजिशन को मिटा दूंगा। सो आपको मैं लास्ट में एक पेपर शो कर दूंगा जिसमें सारी प्रीपोजिशन रहेगी, तो आप राइटिंग की चिंता ना करिए। चलिए विदाउट मतलब, इसका मतलब होता है के बिना। जैसे मैं यहाँ राम के बिना हूँ। आई एम हेयर विदाउट राम। क्या आप चाय के बिना बिस्किट खा सकते हैं? इस तरह से बिना, डू यू टेक बिस्किट विदाउट टी। तो ये इसका सेंस निकलता है के बिना। इसका मतलब होता है के बावजूद, इसका मतलब होता है के बावजूद, उसके मारने के बावजूद भी वो उसके घर गया, उसके मारने के बावजूद भी वह घर गया। सो ही वेंट हिज होम इन स्पीड ऑफ हिज फाइटिंग। सो इन स्पीड ऑफ मतलब के बावजूद, और इसी से एक मिलता जुलता शब्द है इन स्पीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय। अब चाय के बजाय दूध पी सकते हैं, यू कैन टेक मिल्क इंस्टेड ऑफ कॉफी। इसी तरह से हम को छोड़कर, जैसे मैं अंग्रेजी के ज्ञान को छोड़कर अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। सो आई कांट टीच इंग्लिश एक्सपेक्ट ऑफ इंग्लिश नॉलेज। सो ये तो नॉर्मली बात है कि कोई भी किसी चीज़ का नॉलेज लिए बिना किसी चीज़ को नहीं पढ़ा सकता। तो ये एक्सपेक्ट का मतलब होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है को छोड़कर। चलिए हम अगली प्रीपोजिशन लेते हैं, और हमारी अगली प्रीपोजिशन है विदिन के अंदर। ये है हमारी समय सीमा के अंदर। जैसे मैं 2 घंटे में यह क्लास खत्म कर सकता हूँ, आई कैन फिनिश दिस क्लास विद इन टू आवर। मतलब ये समय सीमा के अंदर में बात की जाती है। मैं पाँच मिनट के अंदर सनावत पहुँच सकता हूँ। आई कैन रीच सनावत विद इन फाइव मिनट्स। सो ये
विदिन मतलब के अंदर, समय इसके बाद आता है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स अगली प्रीपोजिशन, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स इसका हिंदी मतलब होता है के प्रति। मेरा व्यवहार सर के प्रति अच्छा है, मेरा व्यवहार सर के प्रति अच्छा है। माय बिहेवियर इज गुड टुवर्ड्स सर, या यूं कहा जाए कि मेरा व्यवहार छात्र के प्रति अच्छा है, माय बिहेवियर इज गुड टुवर्ड्स स्टूडेंट। सो ये हमारा एक प्रीपोजिशन थी, इसका मतलब टुवर्ड्स और इसका मतलब होता है के प्रति। अगली प्रीपोजिशन है बाय, बी बाय, इसका मतलब होता है के द्वारा या से। जैसे मैं यहाँ बस से आया, मैं यहाँ बस से आया, I came here by bus, I came here by bus। अब यहाँ देखिए से, मैं यहाँ बस से आया, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं यहाँ बस के द्वारा आया, तो ये दोनों का सेंस एक ही निकलता है, I came here by bus। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिहाइंड, नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिहाइंड के पीछे, के पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे। जैसे रोहन दीवाल के पीछे है, रोहन दीवाल के पीछे है, रोहन इज बिहाइंड द वॉल, रोहन इज बिहाइंड द वॉल। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहन मेरे पीछे है, रोहन मेरे पीछे है, सो रोहन इज बिहाइंड मी, रोहन इज बिहाइंड मी। अगली प्रीपोजिशन है हमारी अराउंड, अराउंड इसका मतलब होता है के चारों ओर, हमारे चारों ओर फूल है, हमारे चारों ओर फूल है, देर आर फ्लावर्स अराउंड अस, देर आर फ्लावर्स अराउंड अस। अगला एग्जांपल, ओ सॉरी अगली प्रीपोजिशन लेते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ के सामने, हमारा घर राम मंदिर के सामने है, आवर हाउस इज इन फ्रंट राम टेम्पल। सो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल के सामने मैं हूँ, मोबाइल के सामने मैं हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ मोबाइल, आई एम इन फ्रंट ऑफ मोबाइल। अगला अगली प्रीपोजिशन वन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब कि और से, मुझे यह बोर्ड मेरे पेरेंट्स की ओर से मिला, सो आई गॉट दिस बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स, आई गॉट दिस बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स मतलब की ओर से, मेरे पेरेंट्स की ओर से मुझे यह बोर्ड मिला। तो चलिए और अक्रॉस, अगली प्रीपोजिशन की ओर आते हैं, हमारी अगली प्रीपोजिशन है अक्रॉस, अक्रॉस इसका जो हिंदी मतलब होता है के आर पार। जैसे नदी के आर पार, मैं नदी के आर पार जा सकता हूँ, आई कैन गो अक्रॉस द रिवर, आई कैन गो अक्रॉस द रिवर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रीपोजिशन के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो मैंने लास्ट में आपसे वादा किया था कि एक चार्ट शो होगा, देखिए इस चार्ट में सारे प्रीपोजिशन आपको क्लियर तरीके से दिख रहे हैं, तो आप इन सारे प्रीपोजिशन को राइट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और इन्हें ध्यान से पढ़िए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इन प्रीपोजिशन को 2 से 3 times देखेंगे तो आप सारी प्रीपोजिशन को क्लियर कर लेंगे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।